हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स या चेचक निकलने के कारण, लक्षण और उनका उपाय। आज इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रेगनेंसी में काफ़ी लोगों के चेचक या बहुत से लोग गांव में माता भी बोलते हैं कि माता निकल आती हैं। ये चेचक चिकन पॉक्स क्यों निकलते हैं? प्रेगनेंसी के टाइम चेचक का निकलना आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी चेचक क्यों निकलते हैं? कहा जाता है चेचक एक बार सभी के निकलती हैं। जिन लोगों के चेचक बचपन में नहीं निकली होती हैं, उनके प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज होने की वजह से भी चेचक या चिकन पॉक्स निकल आते हैं। दूसरा, इनका इन्फेक्शन बहुत फैलता है। अगर किसी को चेचक होते हैं या किसी को चिकन पॉक्स हुए हैं, अगर आप उनके संपर्क में आ जाते हैं तो भी आपको चेचक या चिकन पॉक्स निकल आते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में भी। अगर ये चिकन पॉक्स आपको 1 मंथ या दूसरे मंथ में निकलती हैं तो आपके बेबी को चेचक से ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बच्चे के विकास में कमी आ सकती है। बच्चे का विकास होना, बच्चे की ग्रोथ होना, ये रुक सकते हैं। अगर ये चेचक 3 से 5 माह या इसके बाद निकलती हैं तो आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में चेचक निकलने से आप बच्चे के किसी भी पार्ट को ख़राब कर सकती हैं, उनके बेबी के पार्ट को हार्म पहुंचा सकती हैं ये चिकन पॉक्स। जैसे बच्चे का विकास रुक जाना, बच्चे का आँख की रोशनी ना आना या हाथ पैर खराब हो जाना जैसी बड़ी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है इन चिकन पॉक्स की वजह से। प्रेगनेंसी में अगर आपको चेचक जैसे दाने दिखाई पड़े तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपने शुरू में डॉक्टर को दिखा लिया तो डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं जिससे चेचक हो सकता है ना निकले, तो आपको डॉक्टर को सबसे पहले दिखा लेना है, बता देना है। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी अगर चेचक निकल आई है तो जैसे ही आप ठीक हो जाएं तो सबसे पहले आप अपना अल्ट्रासाउंड करवा के और बहुत अच्छी तरह से अल्ट्रासाउंड करवाएं। डॉक्टर को पहले ही बता दे कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, उसी की वजह से मैं अल्ट्रासाउंड करवा रही हूँ। तो डॉक्टर अच्छी तरह से एक एक बेबी का पार्ट देख के अल्ट्रासाउंड करेंगे, ताकि अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि बच्चे को किसी भी पार्ट में कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। इसके बाद अपने डॉक्टर को दिखाकर बच्चे की ग्रोथ की डॉक्टर अच्छी सी दवाई देंगे, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी बनी रहे। बच्चे की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है चिकन पॉक्स का, क्योंकि चेचक होने से बच्चे की ग्रोथ, बच्चे का विकास रुक जाता है। चेचक होने से आप कैसे बच सकते हैं ये भी आपको बताते हैं। अगर घर में किसी को भी चिकन पॉक्स हुआ है तो आप उस व्यक्ति से दूरी बना कर रखें, उसके पास ना जाएं। जब तक चेचक उसकी ठीक नहीं हो जाती तब तक आप उस व्यक्ति से बिल्कुल दूर रहें, जितनी दूरी हो सके आप उतनी दूरी बना कर रखें। अगर घर में किसी को चेचक होती है तो आप चेचक की दवा ज़रूर खा लें। चेचक की दवाई आती है जिससे दूसरे को भी इन्फेक्शन ना हो, उससे आप बच सकते हैं। प्रेगनेंसी में चिकन पॉक्स या चेचक होने से बच्चे में संक्रमण होने का खतरा 70% बढ़ जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतें। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें, इसीलिए मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी के टाइम चेचक निकल आती हैं, या जिस भी व्यक्ति के हो उससे दूर रहना चाहिए। मुझे ये सारी बातें नहीं पता थी। मेरे घर में मेरे देवर के चिकन पॉक्स हुआ था, मैं उसके आसपास जाती रही, इसीलिए मुझे भी हो गई। दूसरी गलती मैंने ये की कि मैंने अपने डॉक्टर को नहीं बताया, क्योंकि सभी लोग बोलने लगते हैं कि ये माता है, इनमें दवाई नहीं खाई जाती है, ये वो दुनियादारी। तो मैंने दवाई नहीं खाई और ना ही मैंने डॉक्टर को बताया। फिर मेरी डॉक्टर ने इस बात के लिए मुझे डांटा भी कि पहले बता देती तो मैं दवाई दे देती, जिससे ये चिकन पॉक्स नहीं निकलते।
लेकिन आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल भी ना पड़े कि ये माता होती हैं, एक ये संक्रमण होता है, इसके संपर्क में जो भी आता है उसको भी हो जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम अगर आपको दाने दिखें, आपको फीवर आ जाए, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी दवाई लें। मेरे साथ मेरे चेचक 5th मंथ में निकली थी प्रेगनेंसी के टाइम, जिसकी वजह से मेरी बेबी की ग्रोथ कम हो गई थी, मेरे बेबी का विकास रुक गया था, लेकिन डॉक्टर ने अच्छी सी दवाइयाँ दी जिसकी वजह से मेरे बेबी की ग्रोथ दोबारा से अच्छी हो गई और उसको किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं हुआ। इसलिए आप जैसे ही चेचक निकलती हैं तो आप उनको हल्के में बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी संक्रमण आपके बेबी के लिए खतरे का कारण बन सकती हैं। ये मैंने वही सारी बातें आपको बताई हैं जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम ये परेशानियाँ उठाई हैं। आप लोग ये परेशानी ना उठाएं, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी सभी लोग इस जानकारी